भारत देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है या लोकतंत्र मर चुका है, या भारत देश में मानवता जिंदा है या मानवता मर चुकी है। दो तस्वीरें आज न्यूज आपको आज दिखाएगा, जिसमें लोकतंत्र की बात भी की जाएगी, जिसके अंदर जागरूकता की बात भी की जाएगी और उसी के अंदर मानवता की बात भी की जाएगी। जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है और इस जयपुर शहर के वह जगह जहां पर बड़े से बड़े रेलवे के नेटवर्क है, उसी के पास में मेट्रो भी स्थित है। हमारे आवाज न्यूज के पत्रकार जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। हमने पूछा उससे जाके कि यह जिंदा है या मर गया, लेकिन उस राह पे गुजरने वाले हर एक राहगीर की नजर उसी पे थी, लेकिन कोई जाकर उसे पहचान नहीं पाया, ना जाकर उस पर किसी ने हाल पूछा। क्यों नहीं पूछा? कारण एक ही है कि हमारा लोकतंत्र अब मर चुका है और सबसे बड़ी बात, हमारी मानवता मर चुकी है। एक ऐसी ही कहावत आज हमारे रामगढ़ में हुई, जहां एक शिक्षिका पर पेट्रोल जलाकर उस शिक्षिका को जला दिया गया। दो बार पुलिस को फोन करती है, पुलिस के फोन करने के बाद में 20 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंचती है और आपको बता दें कि एक जलती हुई शिक्षिका के सामने मंजर इस प्रकार से था कि लोग उसे देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, तमाशा बनाते रहे। भारत की आवाज न्यूज और मौजूद हूँ जयपुर राजस्थान में। न प्रधानमंत्री पूछता है, न मुख्यमंत्री पूछता है, न राहगीरों को पता है। रिक्शा बीच सड़क में खड़ा है मेट्रो स्टेशन जयपुर पर। प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं पूछते हैं मर गया या जिंदा है। गहलोत को भी पता नहीं है, राहगीरों को भी पता नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। आवाज न्यूज को पता है, अरे भाई सो रहा है या जाग रहा है या मर गया है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। प्रशासन को पता ही नहीं है। आवाज न्यूज पूछता है सो रहा है या जाग रहा है या मर गया है, पता ही नहीं है क्या हो गया है, लेकिन इसकी सांसें चल रही है। इसका मतलब शायद ये बेहोश है या किसी नशे में है। सरकार को भी चिंता नहीं है, आम जन को भी चिंता नहीं है। पेट्रोल क्यों महंगा है, महंगाई इतनी क्यों बढ़ी है, डीजल क्यों महंगा है, गैस सिलेंडर 1000 का क्यों है, क्योंकि देश का लोकतंत्र मर गया है। देश के अंदर लोकतंत्र की मौजूदगी नहीं है। आइए आवाज न्यूज के साथ लोकतंत्र को जिंदा करते हैं, आम आदमी को जिंदा करते हैं। नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, जयपुर राजस्थान, आवाज न्यूज 24/7। पेट्रोल छिड़ दिया मेरे पर, सरस्वती ने सुलोचना उसकी बेटी पूजा नशे कर फरार हो गए। जब तक मैं चलती है तब तक वो देखते रहे, आखिरी में बस छोड़ के बाद रवाना हो गए। मैं बेसी बेसी जलती गई और जल के वो तमाशा देखते रहे। तमाशा देख के जैसे मैं धरती पे बेहोश होके गिरी, वो वहाँ से रवाना हो गए और बोल गए कि शाम को तेरे पति के साथ भी है यहाँ।